हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस लेकर। अभी इस वक्त आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो आज मैं जो मैसेजेस लूँगी वो लूँगी एनर्जी ओरेकल से। देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं, किस एनर्जी में हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है, क्या है उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो वो आपसे कह देना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ से हम करेंगे रीडिंग को शुरू। यहाँ पर पहला कार्ड आया है मैन होल्डिंग अ कॉइन, मतलब बहुत सारे लोगों के जो पर्सन हैं वो ये बताना चाहते हैं कि इनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है आज के दिन में। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा बिजी हो सकता है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर हो, या बहुत ज़्यादा जो भी काम करते हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं, या कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, मतलब इनके पास आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ओवर हेक्टिक वर्कहोलिक एनर्जी है। सेकेंड जो मैसेज है वो ये है कि आपके पर्सन को शादी के बारे में सब पता है। मतलब अगर आप परेशान हैं कि आपके पर्सन आप पर फोकस नहीं कर रहे, आपके पर्सन के पास आपके लिए टाइम नहीं है, या आपके पर्सन शादी को लेकर कुछ नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ आप ही को टेंशन है, सिर्फ आप ही सोच रहे हैं, तो इनका ये मैसेज है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है। ऐसी सिचुएशंस मेरे भी दिमाग में रहती है, बट मैं क्या करूँ, मैं परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा ये स्टक हैं। आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये बहुत जल्द एक्शन लेंगे, थोड़ा सा आपको सब्र रखने की ज़रूरत है, आपको इन पर बिलीव करने की ज़रूरत है। इन्हें ऐसा लगता है कि हर चीज़ अपने समय से होनी चाहिए। तो अगर ये आपसे प्यार करते हैं तो ये दिल से करते हैं, इन्हें पता है कि आगे क्या एक्शन लेना है, इन्हें पता है कि उनके ऊपर क्या बर्डन है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनको सब चीज़ें मैनेज करनी है। तो ये तो जान चुके हैं कि आपकी तरफ ही एक्शन लेना है, इस रिश्ते में ही एक्शन लेना है, इस रिश्ते के लिए ही स्टैंड लेना है। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप ही वो पर्सन हो जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड, बहुत ज़्यादा फील कर पाते हैं अपने साथ आपकी एनर्जी को, और साथ ही साथ कि ये आपके साथ बहुत दूर तक के सपने भी देख चुके हैं। हैप्पी फैमिली की एनर्जी है, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। नेक्स्ट वी हैव जर्नी। आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन को ये बात का पता चल रहा है धीरे धीरे, या ऑलरेडी पता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसी जर्नी है जो कि रुकी नहीं है अभी तक, चाहे सेपरेशन हो, नो कॉन्टैक्ट हो, या बातचीत हो रही हो, डजेंट मैटर, बट यहाँ पर आपके साथ जो बॉन्ड है वो रुका नहीं है, वो आगे बढ़ता ही जा रहा है। कितना भी सेपरेशन आप दोनों के बीच में आ जाए, बड़े से बड़ा आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए, आपको ऐसा फील हो कि यार ये वाला ब्रेकअप तो शायद अब लास्ट है, अब तो शायद वो वापस नहीं आएंगी या नहीं आएंगे, लेकिन आपके पर्सन ने हमेशा आपको चौंकाया है वापस आने के बाद। ये हमेशा ये समझते हैं कि आपके साथ जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आपके साथ जो कर्मा है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इनके लाइफ में आपके अलावा कोई अगर अदर सिचुएशंस है, कोई अगर कार्मिक्स हैं, कोई अगर इनके लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो प्रॉब्लम्स रिलीज़ हो जाएंगी, बट आपके साथ जो बॉन्ड है, जो जर्नी है, वो रुकेगी नहीं, वो आगे बढ़ती रहेगी। आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है, स्पेशली अगर वो आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, या अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं किसी अदर पर्सन के साथ, हो सकता है कि वो प्लान कर रहे हैं लीगली अलग होने का। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए सोच कर देख रहे हैं, और आप दोनों के बीच में डिवोर्स तक की बात आ गई है, कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जो कि सेपरेशन से रिलेटेड है, बट ये उस सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर सोच रहे हैं। इन्हें वो पल याद आ रहे हैं, वो मोमेंट्स याद आ रहे हैं जो मोमेंट्स इन्होंने आपके साथ स्पेंड किए हैं, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे मैरिड कपल्स जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में हैं, उनके साथ भी कुछ मिरेकुलस चेंजेस हों, सडनली यूनियंस की वाइब्रेशन हो सकती हैं। यहाँ पर हार्ट चक्रा ओपनिंग की एनर्जी है, तो आपके पर्सन जो भी इमोशंस या फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते थे या नहीं कर पाते थे, तो वो चीज़ें भी ये बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे आने वाले समय में। एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है इनको, डिप्रेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है, या तो वर्क का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या तो किसी केसेस का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या इनको किसी अपने से ट्रिगर मिला है, आपके प्रति एक्शन भी लेना है। तो ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि मुझे सब पता है, मुझे पता है कि मुझे कब कहाँ कौन सा एक्शन लेना है, तो तुम फालतू में स्ट्रेस ना लिया करो। तुम टेंशन लेते हो या लेती हो, या तुम अगर उदास होते हो तो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होती है।
बॉटम ऑफ द डेक है कम्युनिटी, आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है कि ये आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में या आपके बारे में, ये बस चाहते हैं कि आपके साथ हैप्पी रहें, आपके साथ खुश रहें, हर मोमेंट को इन्जॉय करें। ये कभी भी नहीं चाहते कि आप सैड हो या इनकी वजह से आपको दुख पहुँचे। इसीलिए जब इन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं इसे हर्ट कर रहा हूँ या तकलीफ़ दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो ये अपने आप को आपसे दूर कर लेते हैं, आपसे एक तरह से कहा जाए तो रन कर जाते हैं। तो ये जो मैसेजेस हैं ये आज के रीडिंग में निकल कर आए हैं। होप आज के दिन की जो एनर्जी है उससे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिले। रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।